हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल सुमन ढाका में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध बनाने के लिए हमें किन किन सामान की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हल्दी वाला दूध बनाने के लिए मैंने ये दूध लिया है एक कप, और ये लिया है मैंने अदरक। अदरक लिया है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया था अदरक का। ये मैंने दालचीनी लिया है जिसके 2 टुकड़े ले लिए हैं। ये फ्रेंड्स मैंने गुड़ लिया है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर लिया है। और ये लिया है मैंने हल्दी। हल्दी वाला जो दूध होता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि हमारे कोई भी चोट लग जाती है तो उसमें हम हल्दी वाला दूध अगर पियेंगे तो वो चोट जल्दी रिकवर होगी। अगर हमें कोई अंदरूनी चोट है तो उसमें भी हल्दी वाला दूध बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई, हमारी बॉडी में कोई पेन होता है तो उसके लिए भी हमें हल्दी वाला दूध ज़रूर लेना चाहिए। और अगर हमें कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हल्दी वाला दूध बहुत ही कारगर होता है। ये हमारी स्किन को बिल्कुल साफ करता है। अगर हमें बच्चे हैं, बड़े हैं, किसी को भी सर्दी जुकाम ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए भी फ्रेंड्स हल्दी वाला दूध जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनको हल्दी वाला दूध है वो बहुत ही मतलब मजबूत बनाता है, बहुत ही अच्छा रखता है। और हल्दी वाला दूध अगर हम रात को सोते वक्त अगर पियेंगे तो इस दूध से हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, हमें ज़रूर इसको पीना चाहिए। और हमारे जो जॉइंट्स पेन होते हैं, आजकल जॉइंट्स पेन की तो नॉर्मल सी बात है, तो अगर जॉइंट्स पेन है उसमें हम रेगुलरली अगर हल्दी वाला दूध कंटिन्यू पी रहे हैं तो वो हमारे जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, किसी ब्लड शुगर को भी बहुत ही कंट्रोल करता है ये। और हमें अगर किसी को भी सांस की प्रॉब्लम है तो उसको तो ये रामबाण है, अगर डेली ये दूध पिए बना के तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और फ्रेंड्स, जो भी वायरल जो भी चल रहा है, वायरल जो बीमारियां चल रही हैं आजकल, उनके लिए ये वाला हल्दी वाला दूध बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है और उसके जो वायरल है उससे हमें फाइट करने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, हमें ये हल्दी वाला दूध ज़रूर पीना चाहिए। तो मैं बताती हूँ आपको कि कैसे बनाते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, मैंने ये एक पतीला लिया है जिस मैंने गैस ऑन कर दिया है और जो दूध था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अभी हमें क्या करना है, इस दूध को एक उबाल लाना है। उबाल लाने के बाद में हम बाद में ही जो हमने जो भी इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं वो इसके अंदर बाद में डालेंगे। पता चला कि अगर पहले हमने इसके साथ डाला तो दूध फट भी सकता है, इसलिए हमने हल्दी अदरक जो भी सारे सामान लिए हैं वो हमें दूध को बॉईल करने के बाद में इसके अंदर डालेंगे। तो पहले हम दूध में एक बॉईल लाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दूध में बॉईल आ गया है। अभी हमें क्या करना है, जो हमने दालचीनी के टुकड़े लिए थे, सबसे पहले हम वो दालचीनी के टुकड़े इसमें छोड़ देंगे और गैस की आंच को हम मीडियम ही रखेंगे और इसको मैं हिलाते हुए इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। अभी फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर दालचीनी डाल दी थी, अभी मैं इसमें डाल देती हूँ। जो अदरक ली थी हमने वो मैं इसके अंदर छोड़ देती हूँ, इसको भी उबाल लूँगी। अभी फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जो हमने हल्दी ली है वो मैं इसके अंदर छोड़ देती हूँ और इसको भी हम अच्छे से हिलाते हुए ऐसे मिक्स करते हुए मिला लेंगे और अच्छी तरह उबाल लेंगे इनको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध हमारा उबल रहा है, ये उबल गया है अच्छी तरीके से। अभी हम गैस को कर देंगे बंद। हम गुड़ को अभी नहीं डालेंगे, इसको नीचे उतार के और फिर गैस बंद करके उसके बाद में इसके अंदर गुड़ मिक्स करेंगे थोड़ा ठंडा होने तक। तो मैं गैस को कर देती हूँ बंद। दूध हमारा बॉयल हो गया है अच्छे से, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं इसमें। तो गैस को करती हूँ बंद और इसको नीचे उतार लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नीचे उतार लिया है इसके अंदर गैस से और ये थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है। अभी हम इसके अंदर गुड़ ऐड कर देंगे। आप इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं, बट गुड़ भी बहुत अच्छा होता है, तो मैं इसमें गुड़ ऐड करूँगी। तो ये मैंने गुड़ ऐड कर दिया है, ज़्यादा नहीं डालूँगी और इसको मिक्स करते हुए ऐसे हिलाते हुए इसको मिक्स कर दूँगी। ध्यान रहे गुड़ का मोटा टुकड़ा नहीं डालें, इसको ऐसे काट के और फिर इसको डालना है क्रश करके। अभी मैं इसको ऐसे हिलाते हुए गुड़ को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध हमारा ठंडा हो गया है। ये देखिए गुड़ भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, इसमें कहीं गुड़ नहीं दिख रहा है, इसलिए
गुड़ को हमें मोटे 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 पीसेस में नहीं डालना है। गुड़ को हमेशा चाकू से क्रश कर सकते हो आप उसको, और तो उसको फोड़ भी सकते हो, बट मैंने चाकू से क्रश करके उसको डाला है। तो ये देखिए मिक्स हो गया है पूरा अच्छे से, और ये हमारा दूध जो है वो थोड़ा हल्का ठंडा भी हो गया है। अभी मैं इसको छान लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हल्दी वाला दूध जो है वो बनके तैयार हो गया है। कितना बढ़िया और गाढ़ा दूध बना है। तो आपको मेरी ये हल्दी वाले दूध की जो वीडियो बनाया है वो कैसा लगा, आप भी बना के जरूर ट्राई कीजिए और पीजिए, क्योंकि आजकल बहुत ही वायरल डिजीज चल रही हैं, तो उनसे फाइट करने के लिए आपको बहुत ही कारगर होगा ये। तो आप बना के जरूर पीजिए और अपने कमेंट्स मेरे को जरूर शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा। और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगी आपको एक बहुत ही अच्छे से वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।